बराबर है, 75 साल हमने इंतजार किया, अभी हम सड़क पे आके अभी 75 दिन हमने देश का सब नागरिक का बताएंगे हम आज आजाद नहीं है, हमारा का वो ही गुलामीगिरी चालू है, हमारा का जान बचाने के लिए भारत सरकार और कोई राज्य सरकार का पास कोई योजना नहीं, वो प्राइवेट पार्टी का एक स्टूडेंट का कोई किसी का पकड़ के कोई मशीन तैयार करो वो मशीन से सारे जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द 140 crore पॉपुलेशन, द प्रॉब्लम ऑफ द 140 crore पीपल, इट इज नॉट द छोटा मोटा नहीं है। आपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा आप कोई एक सेक्टर लिए तो सेक्टर सेक्टर बात कर सकते। भारत अगले 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा, लेकिन सुरेंद्र जैसे सीवर सफाई कर्मियों को आज तक सीवर की गंदगी से आज़ादी नहीं मिल पाई है। देश में ज्यादातर सीवर कर्मचारी दलित है। दलित समुदाय पर सीवर साफ करने का जो कलंक लगा है वह आज भी बरकरार है। अब मैं सफाई कर्मचारी हूँ जिसे मुझे बेलचों से कसियों से कैसा गंदा काम उठाना पड़ता है, सिल्ले उठानी पड़ते हैं नालियों की, मजबूर मैं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, और मुझे ना तो कोई सेफ्टी है, मुझे दिहाड़ी भत्ते पर 300 रुपये भत्ते पर मुझे काम करना पड़ता है, जिससे कि उससे मेरा ना तो गुजारा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, मुझे अपने भविष्य के लिए बच्चों के लिए मैं क्या से क्या करूँ मुझे कुछ नहीं पता। सुरेंद्र जैसे कई सीवर सफाई कर्मी आज भी समाज की मुख्यधारा से कोसों दूर है। सुरेंद्र बताते हैं कि वो कभी सीवर का काम करने जाते हैं तो उनको पीने का पानी भी प्लास्टिक के ग्लास या बोतल में दिया जाता है। कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए ना तो कोई हमारे को पानी के लिए पूछेगा ना कोई चाय के लिए, पानी पिलाएंगे तो ऊपर से कुछ छोटी प्लास्टिक की बोतल दे देते हैं उससे पानी पिलाते हैं, कोई मटका नहीं और कुछ गिलास देंगे नहीं। सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा पूरे भारत में सीवर सफाई के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए द वायर ने सफाई कर्मचारी आंदोलन के संयोजक बेजवाड़ा विल्सन से बात की। हमारा मांग है ये देश का अंदर सीवेज और गटर का अंदर सेप्टिक टैंक का अंदर कोई किसी का भी इंसान का घुसा के मार डाल रहा है, इसका रोकने के सरकार से कुछ कार्रवाई ले। सो क्यों सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है? ठीक है नहीं ले रहा है वो बिजी हैं, फिर दोबारा करेंगे ऐसे भी मान के हमने एक साल समय दिया। बाद में क्या हुआ, पार्लियामेंट पे मंत्री आके ये कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग से नहीं मर रहा है, सो वो थोड़ा शब्दावली है वोकैबुलरी लेके इसका ऐसा उल्टा पलटी करके उनका जो मर्जी है बताएंगे। मैं कहना क्या है, मंत्री जी अगर पार्लियामेंट के संसद का सबका एड्रेस करके बोलना चाहे तो बोलो, बट किसका बारी आप बात कर रहे हैं? आपने एक अनपढ़ 5000 साल से एक गुलामी से ये कोई इधर जिंदा है आज तक, वो लोग उनका अधिकार के लिए बाहर आके पूछ रहा है सफाई कर्मचारी, उनका जान का विषय पे आने के समय मंत्री भी थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। वो मंत्री कितने बड़ा भी हो सकते हैं, मेरा तो कोई इससे कुछ भी जरूरी नहीं है, वो बड़ा छोटा इस पर कुछ नहीं होते हैं, बट वो तो ध्यान से जवाब देना क्यों है, तो वो लोग ने फिर आपका पार्लियामेंट का पहुंच के आप गलत बोल रहे हैं नहीं बोलेंगे। अगर वो नहीं बोल रहा है मतलब कोई भी मंत्री होगा प्रधानमंत्री होगा जवाब देने के समय जरूर वो ध्यान रख के देना पड़ते है, ये जिम्मेदारी है। नंबर ले लियो आप फोन करते हैं।
पिछले साल केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में बताया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से पिछले 5 साल में एक भी मौत नहीं हुई। वहीं इसके विपरीत बेजवाड़ा विल्सन के मुताबिक पिछले 5 साल में लगभग 535 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक उनका नीति हो गया, अभी किसी का जवाब देना जरूरी नहीं है। हम क्या बोलेंगे, सारे लोग यही बोलना। वो बोलेगा ये 75 साल हो गया, अभी अमृत में। अमृत होगा आपके लिए, आपका परिवार का होगा, आपका आश्रित लोग का होगा, आपका पार्टी लोग का होगा, हमारा का तो नहीं है। सो अभी भी हमारा जान दे रहा है। अरे 5 लोग कहीं मर जाए तो आप लोग का इतने कूद के चल जाते हैं, वो बताते हैं मेरा खून ऐसा बॉइल हो रहा है। अरे हमारा का 2000 का ज़्यादा लोग ने मर चुका, क्यों ये प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, कोई मुख्यमंत्री का कुछ भी नहीं होते हैं, उनका मतलब भी नहीं है। क्या आज़ादी है? आज़ाद हमारा का भी ज़रूरत है। आज़ाद आपका सिर्फ नहीं है, आप आज़ाद हो जाए तो अब आप सारे देश का आज़ाद हो गया। बेवकूफ़ का काम थोड़ा बंद करो, आपने हमारा का बेवकूफ़ और नहीं बना सकते, बराबर है। 75 साल हमने इंतज़ार किया, अभी हम सड़क पे आके अभी 75 दिन हमने देश का सब नागरिक का बताएंगे हम आज आज़ाद नहीं है। हमारा का वही गुलामीगिरी चालू है। हमारा का जान बचाने के लिए भारत सरकार और कोई राज्य सरकार का पास कोई योजना नहीं। वो प्राइवेट पार्टी का एक स्टूडेंट का कोई किसी का पकड़ के कोई मशीन तैयार करो, वो मशीन से सारे जाएगा। हम वी आर टॉकिंग अबाउट द 140 crores पॉपुलेशन, द प्रॉब्लम ऑफ द 140 crore पीपल, इट इज़ नॉट द छोटा मोटा नहीं है। आपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा, आप कोई एक सेक्टर लिए तो सेक्टर बात कर सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं पूरा आबादी का बात है। ये 140 करोड़ लोग का 30 का विषय है। ये सारे निकाल के सारे हमारा जान निकाल रहा है। सो इसी के बात करो, 30 से बात करना आप क्या अपवित्र हो जाएगा? आपका इतने स्वच्छ है, श्रेष्ठ है। ये सारे बंद करना पड़ते हैं। ये सारे नीतियां का हमारा संविधान पे कहीं जगह नहीं है। संविधान पे बराबर का नीति है। सो हमारा का भी बराबर देखना सीख लो। अभी 75 साल का बिल्कुल एक संदेश दो, कैसे हमारा का सबका यहाँ से बाहर लेके आएगा, क्या योजना है बताओ। जब भी हम शिविर में उतरते हैं तो हमारे ना अपनी मजबूरी से हमें उसके अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई काम हम ऐसा है नहीं। इस शिविर में उतरने के लिए हमारे पास अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए दाल रोटी का गुजारा करना पड़ता है। उसमें भी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो एक दिन भूखे तो दूसरे दिन रोटी मिलेगी नहीं, इसका भी कोई इंतजार नहीं होता। आज के टाइम में हम तो यही कहते हैं जी, हमारे को कोई अच्छी रोज़गार मिले, कोई अच्छा काम मिले जिससे हम अपने बच्चों को रोटी पानी का इंतजाम कर सकें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।